सत्येन, देखिए लगातार बीजेपी हमलावर है, चाहे वो दिल्ली की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, हर जगह आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये वादों की सरकार नहीं है, तमाम वादों से मुकर जाती। जी बिल्कुल नेहा, सही कहा आपने। और लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार वादों की सरकार नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी का इस पर क्या कहना है? राघव चड्ढा मेरे साथ मौजूद हैं, सांसद हैं राज्यसभा से, पंजाब के प्रभारी हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार वादों की सरकार नहीं है, झूठे वादों की सरकार है। देखिए आज ऑपरेशन लोटस का जो पूरा डिजाइन था वो देश के सामने आ गया है कि कैसे भाजपा आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की 25-25 करोड़ देकर खरीदने की कोशिश करती है। जब ऑपरेशन लोटस पर भगवंत मान साहब की सरकार आम आदमी पार्टी हमला करते हुए एक कॉन्फिडेंस मोशन बुलाती है तो इस कॉन्फिडेंस मोशन की इजाजत तक गवर्नर नहीं देते, सेशन बुलाने की इजाजत गवर्नर नहीं देते। मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स के तहत गवर्नर के पास अपनी डिस्क्रीशन की कोई शक्ति नहीं है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि भगवंत मान साहब और उनके मंत्रिमंडल ने यह फैसला ले लिया कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा तो गवर्नर के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो विधानसभा का सत्र ना बुलाएं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि रूल बुक के हिसाब से सरकार को भी हक नहीं है कि वो विश्वास पर, किस लिए विश्वास, जो है विश्वास का अविश्वास का प्रस्ताव अपोजिशन लाती है, सरकार को विश्वास में है, अगर सरकार है, बनी हुई सरकार है, उसको अविश्वास की जरूरत क्या है? ये तो तब होता है जब सरकार को टूटने का खतरा हो और अपोजिशन ये कहे कि सरकार अब चल नहीं सकती, इनके पास संख्या बल नहीं है। देखिए बड़ा अजीब सा लॉजिक दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस मोशन लाने का कोई कानून नहीं है। मैं सबसे पहले तो ये ताजा तस्वीरें जिसमें संघर्षरत कार्यकर्ता और पुलिस बल, महिला पुलिस बल की भी तैनाती यहां पर की गई है। चंडीगढ़ में इस वक्त आक्रोश देखा जा रहा है क्योंकि ये रैली दरअसल बुलाई गई थी आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। जिस तरीके से भगवंत मान ने बतौर सीएम काम किया है उसको लेकर नाराजगी है और यही नाराजगी अब सड़क पर दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा इन कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने के लिए, लेकिन देखिए बीजेपी के झंडे बैनर के साथ ये सभी कार्यकर्ता इस आक्रोश रैली में हिस्सा लेते हुए बड़ी संख्या में पंजाब के अलग अलग हिस्सों से इन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है ताकि इस मार्च, इस रैली को एक बड़ा रूप, एक व्यापक रूप दिया जा सके। तो पंजाब में सियासी हलचल तेज है, किस तरीके से वार पलटवार आप और बीजेपी में चल रहा है ये देखिए। यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वो दान साम दंड भेद हर तरीके का रास्ता अपना के वो लोकतंत्र को खत्म करने लगे हुए हैं। बंगाल में किया, कितनी बारी दिल्ली में कोशिश कर ली, अब पंजाब में ये कोशिशें शुरू होंगी, लेकिन ये कोशिशें हम कामयाब नहीं होने देंगे, वो जो मर्जी तरीका अडॉप्ट। ऐसा मैं, मेरे पास लिस्ट है कि जहां पे मल्टीपल टाइम्स सरकारों ने लोकसभा में, पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव करने के लिए सेशन बुलाया गया, बुलाया जाता रहा है, एक जगह प्रोविजन ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना पंजाब सरकार की विधानसभा की रूल बुक्स में एक जगह भी नहीं है कि जहां पे सरकार को ये बार किया गया हो, रोक लगाई गई हो कि आप प्रूव नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी बीजेपी से घबराई हुई है, आम आदमी पार्टी अपने आप को खबरों में रखना चाहती है, घबराहट है उनको कि पंजाब में जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है वो आम आदमी पार्टी के लिए चिंता बन रहा है, इसीलिए वो ऐसी नौटंकियां कर रहे हैं। कितने करोड़ रुपया इस सेशन में लगेगा और व्यर्थ जाएगा, कोई लाभ नहीं होने वाला, उससे अच्छा है कि माँ बाप जिनको कहा था 1000 रुपये औरतों को देंगे उनको दें, बानवे आपके हैं तो आप ही को वोट डालेंगे, खुद ही अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, खुद ही अपने हक में वोट डाल दी और फिर वही कह रही है हम जीत गए। तो भी किससे जीत गए?
और ये लाइव तस्वीरें सीधे चंडीगढ़ से आप देख रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस भी नहीं चाहती है कि लाठी बल का इस्तेमाल किया जाए। अगर ये कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने सख्त चार्ज लिया है इस पूरे मार्च को लेकर। चंडीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ आगे बढ़ते हुए कार्यकर्ता जिन्हें पुलिस बल रोकने की कोशिश में। वहीं अकाली दल ये कह रहा है कि स्पेशल सेशन अगर बुलाया गया था तो उसमें क्वेश्चन आर, उसमें तमाम मुद्दे जो चिन्हित किए जाने थे वैसा क्यों नहीं किया गया, क्यों करोड़ों रुपए खर्च करके स्पेशल सेशन बुलाया जाए जब इस सरकार के पास मुद्दे ही नहीं है। जी क्या बात हुई, भगवंत मान ने क्या संदेश दिया है? लोकतंत्र की जड़ी हत्या कर रही है बीजेपी, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे को खरीदना चाहती है और विरोध दे विच असि गवर्नर हाउस जा रहे हैं, सारे एमएलए मार्च करके जा रहे हैं। भगवंत मान कहां से आपको ज्वाइन करेंगे? देखो वो अभी कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे, 10 मिनट में कैबिनेट की बैठक, कुछ फैसला लेने जा रहे हैं, बहुत बड़ा फैसला अभी 10 मिनट बाद लेंगे कैबिनेट में। शीतल अनुराल जी, दरअसल आप उन विधायकों में से हैं जिनको ये ऑफर दी गई थी, आपको जान से मारने की धमकी भी दी गई ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि हमने इनका जो मिशन लोटस है उसको खत्म किया दिल्ली के बाद पंजाब के एमएलओ ने। अब ये लोग चाहते हैं कि जो लोग चुन के आए हुए हैं उनको लोकतंत्र की जो हत्या करके उनको पैसे के बल पे खींचा जाए। यहाँ पे भाजपा सरकार लोगों ने नहीं बनाई, वहाँ पर ये भाजपा सरकार को खड़े कर सके पैसे के बल पर हम लोग पूछना चाहते हैं ये पैसे आए कहाँ से इतने। क्या आप बताएंगे आपको धमकी किस तरीके से दी गई थी, किसने दी थी, क्योंकि अब FIR भी हुई है, लेकिन उसका एविडेंस है पंजाब के DGP साहब को दे दिया गया, पंजाब के DGP साहब देख रहे हैं, बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन में सारे प्रूफ आपके सामने सभी के आ जाएंगे पंजाब की जनता के सामने। तो आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, उनका कहना है इन गवर्नर हाउस मार्च करेंगे, इसकी शिकायत करेंगे क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वहीं आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का क्या कुछ कहना है सुनिए। कांग्रेस और भाजपा के विधायक एकजुट हो गए, पंजाब में कांग्रेस के विधायक और भाजपा के विधायकों ने मिलकर गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि इस सत्र को, विश्वास मत को रद्द करो। उसके बाद जब ये रद्द होता है तो दोनों ने मिलकर ये स्टेटमेंट्स दिए, मिठाइयां बांटी, लड्डू बांटे कि जी विधानसभा का सत्र रद्द हो गया। आज भाजपा और कांग्रेस पार्टी साथ आ गए हैं आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए। तो अगर केजरीवाल जी कहते हैं सारे मिले हुए हैं, मैं तो कहना चाहता हूं आज ये फिर से साबित हो गया कि ये सब मिले हुए हैं। कैसे भाजपा और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी के विश्वास मत को रोक रहे हैं, और वो कांग्रेस पार्टी जो खुद ऑपरेशन लोटस का शिकार रही है, जिसकी मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटका तक सारी सरकारें चली गई ऑपरेशन लोटस का शिकार हो गई, आज वो आम आदमी पार्टी को भी ऑपरेशन लोटस का शिकार बनाना चाहती है। दूसरी बात, शायद ये भी भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि हमें सत्र नहीं चाहिए, हमें सदन में नहीं आना, हमें असेंबली से दूर भागना है। अक्सर हम देखते हैं कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि सत्र बुलाओ, विधानसभा बुलाओ, बहस कराओ, और सरकार भागती है बहस से। यहां उल्टा ही हो रहा है, सरकार कह रही है मैं बहस करनी है, लेकिन विपक्ष भाग रहा है कि नहीं जी सत्र नहीं बुला सकते। तो हो क्या रहा है?